हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है।
प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अनविश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो के एम प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड बीजीएम को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अनविशी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा
और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होने होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे यूट्यूब वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अनविश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है।
तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से 1 time तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सर्जा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं।
तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा, क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर
और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड बीजीएम को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी
जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे यूट्यूब वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो एपी अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अनविश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो के एम प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने, एंड बीजीएम को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अनविशी जैन, निकितन धीर, सुकृता
और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा आसानी पहुंच सके।
इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है
थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखिए। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है, तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा, क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है।
स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी शंध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को
पैन इंडिया पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया। एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुक्रुता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से 1 time तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सर्जा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा,
कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज़म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अन्वेश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हेगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो के एम प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड बीजीएम को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं।
तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे यूट्यूब वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा,
जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंदिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सर्जा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से
आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे।
तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखिए। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है, तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा, क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा।
तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को
पैन इंडिया पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया। एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अन्वेश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी,
किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो के एम प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड बीजीएम को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं।
तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे यूट्यूब वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अनविश जैन, उसी के साथ साथ सुक्रुता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा,
जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सर्जा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से
आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सर्जा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सर्जा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सर्जा, वैभवी शंधिलिया, अन्वेष जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे।
तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी, एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मीन्स इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है, तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियाटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा, तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा, क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं, तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मींस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा,
तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंधिलिया, अनवीश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनीष शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनीष शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ध्रुव सरजा के फ़ैन हैं एंड उनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी आने वाली मूवीज़ का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं उन्हीं की एक आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस मूवी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी होगी, कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, हम इसे हिंदी में कहीं पर देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल होगी या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी मार्टिन के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी होगी, मींस इसका जेनर क्या होगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है, तो इस मूवी को लेकर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जहन में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर पैट्रियोटिज्म तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक्शन, क्राइम, ड्रामा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग की, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो ध्रुवा सरजा देखने को मिलेंगे, वैभवी संध्या देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अन्वेषी जैन, निकितन धीर, सुकृता और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये एक जो मूवी है उसकी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट होगी एंड इस मूवी को
पैन इंडिया पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी होने वाली है, जो कि KGF जो है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज से ही आई हुई मूवी थी, जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया। एंड ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज की ही आई हुई मूवी है जिसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी फिल्म को, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं। तो जी नहीं, अभी ना ही इसकी IMDb रेटिंग को स्टार्ट किया गया है एंड ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से लाइक मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एंड इसे रिलीज़ कब किया जाएगा। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि इसे कब रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एंड उसी के साथ साथ जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो क्या हम इसे YouTube वगैरह पर देख पाएंगे या नहीं। तो जी नहीं, अभी इसे हम कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे एंड जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर, मीन्स OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ YouTube के चैनल पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में ही देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, तो AP अर्जुन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो अर्जुन सरजा ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उदय के मेहता इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ध्रुवा सरजा, वैभवी शंदिलिया, अनविश जैन, उसी के साथ साथ सुकृता वागले, अच्युत कुमार, निकितन धीर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सत्या हैगड़े आप लोगों को इसकी सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे। एडिटिंग की बात करें तो KM प्रकाश इस मूवी के एडिटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो रवि बसरूर और मनी शर्मा आप लोगों को इसके म्यूज़िक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे। सॉन्ग्स को संभाला है मनी शर्मा ने एंड BGM को कंट्रोल किया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो वासवी इंटरप्राइजेज और उदय के मेहता प्रोडक्शंस आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसे मेरे हिसाब से वन टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जब इसे रिलीज़ किया जाएगा तब भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये अभी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से देखें।